भगवान प्रभु श्री राम जी के प्रति हजारों वर्षों से हम लोगों की आस्था है और उनका वो चरित्र और शख्सियत इस प्रकार की थी कि जब उनका राजतिलक होना था उसके पहले जब मां केकई ने उनके पिता दशरथ जी को अपना पुराना वादा याद दिलाया और उनसे मांग की कि भगवान राम को 14 साल का वनवास और उनके भ्राता भरत को रास्ते लगे। उनकी मां कौशल्या जी का भी इतना बड़ा दिल था, उन्होंने भी इस बात से सहमति दी और दशरथ जी को इस बार के में प्रेरित किया कि आपको आपको वादा निभाना चाहिए और प्रभु हमारे भगवान राम ने राजपाट सब छोड़कर 14 साल के लिए वनों में निकल गए। ये त्याग तपस्या और आदर्श कहीं हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, जिन्होंने कि सदैव अपने काम काज में अपने जीवन काल में मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए किसी भी तरह से ये महसूस नहीं होने दिया कि भी ईश्वर के अवतार के रूप में यहां जिन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने सदैव एक सादगी का जीवन जिया और उस अहंकारी रावण का वध किया। भगवान श्री राम का मंदिर, राम जन्मभूमि का मंदिर बने। लगभग 150 वर्षों से इसका एक संघर्ष चला हुआ और निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने इसका संघर्ष चलाए हुए थे। वहां के आसपास के हजारों लोग इसमें शामिल थे। गोरखनाथ भट्ट के जो महंत आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पूर्व के जो गुरु थे वो भी इसमें शामिल रहे और 150 साल की पुरानी जो एक विवाद था वो 2019 के अंदर अदालत के फैसले के बाद निपटा और मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके पूर्व राजीव गांधी जी ने भी इस बात की कोशिश की थी कि समझौता हो जाए। 2.5 एकड़ की जमीन का विवाद था, समझौता हो जाए, हिंदू मुसलमान मिलकर मंदिर का निर्माण करें, क्योंकि फैजाबाद अयोध्या में वहां गंगा जमुनी संस्कृति का एक मान्यता रही और सदैव से वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम होता रहा है। वे चाहते थे कि विवादग्रस्त भूमि को छोड़कर सरकारी जमीन में मंदिर का निर्माण हो जाए और जो विवादग्रस्त भूमि पर जो ताला लगा हुआ था उसका ताला खोलने का भी आदेश अदालत से हुआ और उन्होंने वहां पर शिलान्यास 1980 के दशक में या 88 में करा दिया। बात वही है, रामलला के जन्मभूमि में मंदिर बने इस पर किसी को एतराज नहीं था, लेकिन ढांचे को गिराकर मंदिर बनाया जाए इस पर एतराज था और कुछ लोगों को
ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा था कि वहीं पर मंदिर बनना चाहिए जहां ढांचा है, लेकिन अब जिस बात पर विवाद हुआ, जिस भूमि के लिए विवाद हुआ, फिर वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए था। वहां मंदिर निर्माण क्यों नहीं हुआ? भव्य मंदिर बने, हम सब लोगों ने उसके लिए चंदा किया और हम सब लोगों ने ये प्रयास किया कि अच्छा मंदिर बने, लेकिन हमेशा से हम कहते आए हैं धर्म समाज को जोड़ता है, राजनीति अगर उसमें आ जाती है तो वो राजनीति समाज को तोड़ती है। इसलिए भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और इसीलिए हमारा ये पक्ष हमेशा से रहा है कि समाज में सभी धर्म के लोग अपना धर्म का पालन ढंग से करें, लेकिन धर्म को राजनीति का उपयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है, धर्म के नाम पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारा थोड़ा सा विवाद इस मसले पर है, लेकिन अब एक नई बात सामने आ गई है। आप लोगों ने भी कई मंदिर बनवाए होंगे, जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये मान्यता शास्त्रों के अनुसार हमें शंकराचार्य जी ने बताई है। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी 2500 साल पहले उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, और ये भी एक मिसाल है कि भारत की एकता के लिए दक्षिण भारत के नमूद्री प्रांत ब्राह्मण को उन्होंने बद्रीनाथ पर, हमारे पीठ पर, वहां उनके उनका पूजा का जो जवाबदारी थी उनको सौंपी। इसी तरह से द्वारका में पश्चिम पूर्व के और पुरी में पश्चिम के पंडितों को वहां पर पूजा का काम सौंपा गया। ये भारत का इतिहास है, और आदि शंकराचार्य जी ने तो उस समय सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया जब धीरे धीरे सनातन धर्म एक कम होता चला जा रहा। इसलिए साथियों, शंकराचार्य जी के पीठों पर जो लोग विराजमान हैं, उन्होंने सबने एक बात कही है कि हम निर्माणाधीन मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। अब इस बारे में अगर कोई आपत्ति करता है तो किसी को आपत्ति को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे कई बार पूछा गया कि आप अयोध्या नहीं जाएंगे रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में? मैंने कहा मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा फिर हम दल बल के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान प्रभु राम हमारे दिल में समाये हुए हैं। मैं खुद उस स्थान से आता हूं राघवगढ़, राघव जी की मूर्ति हम लोगों के मंदिर में है, और आज 450 साल से वहां अखंड ज्योत जलती आई है। इसलिए साथियों, रामलला की मंदिर का निर्माण में किसी प्रकार का विवाद होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक रूप से रामनवमी पर अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होती तो हमें किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए रामनवमी ना करकर अपूर्ण मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें हमें आपत्ति थी, है और रहेगी। इसलिए हम इसको फिर भी विवाद का प्रश्न बना चाहते, जिसकी इच्छा हो वहां जाए दर्शन करे। लेकिन साथियों, भगवान राम हम सब के हैं, और ये बात हम इस बात को से एतराज करते हैं कि पहले आप हिंदू मुसलमानों को बांटते हो, और हिंदू मुसलमानों को बांटकर फिर आप
हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश करते हो कि ये भगवान राम के भक्त हैं और ये भगवान राम के भक्त नहीं है। आप धर्म के मठाधीशों को, हमारे पीठाधीश्वरों को बांटते हो कि ये शंकर भगवान का भक्त है, तो ये रामानंदी संप्रदाय का है, ये वैष्णव संप्रदाय का है। अरे हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं और हमारे इष्ट देव कोई हो सकते हैं, हम किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य जी 2500 साल से लगातार इनकी पीठ हमारे धर्म के रक्षक बने हुए हैं। उनकी भावनाओं के विपरीत उनका काम होता है तो स्वाभाविक है हम उसका साथ दे नहीं सकते। मैं आदरणीय दानी साहब को, ठाकुर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे आने का अवसर दिया, भजन कीर्तन की व्यवस्था की। हमारे मशहूर इंदौर से भजन गायक दीप गुरु जी यहाँ पधारे, उनका भजन का आनंद आप ले। देरी से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब लोग इस बात का पूरा ध्यान रखें, हम सब धार्मिक व्यक्ति हैं, सनातन धर्म का पालन करते आए हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना और हमारे हिंदू धर्म का रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है, उसका पालन हम करते आए हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो माता सीता जी की जय।